हेलो भाई, नमस्कार। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ चाप की सब्जी। चलो मैं आप सबको रेसिपी दिखाती हूँ। गाइस, मैंने रख दी है कढ़ाई। अब मैं इसमें डाल देती हूँ तेल। तेल मैंने डाल दिया है। मैं इसमें डाल दूँ कुछ थोड़े खड़े मसाले, दो तेज पत्ता, 5-6 लाल मिर्च, 2 इलायची। आप सब देख सकते हो मैंने खड़े मसाले इकट्ठे कर लिए हैं। कुछ डाली है मैंने काली मिर्च। अब तेल हो चुका है गरम और तेल में ये सब चीज़ें हम डाल लेते हैं। चलो तेल में डाल देते हैं सब खड़े मसाले। आप सब देख सकते हो मैंने प्याज टमाटर अच्छे से पतला पतला काट लिया है। इसके लिए मैंने इसी के अंदर प्याज काटा है, आप सब देख सकते हो। प्याज टमाटर मैंने दोनों एक साथ ही काट देते थे, दोनों एक साथ डाल देती हूँ। अब थोड़ा हल्का इसे चला लेते हैं। ये पक चुका है। अब इसमें हम हल्के से मसाले डाल देते हैं, एक चम्मच हल्दी, एक चम्मच लाल मिर्च, एक चम्मच धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। और हल्का हल्का और हल्का और पकेगा, इसके बाद हम बंद कर देंगे इसको। फिर हम ग्राइंड करेंगे मिक्सी से। ये पक चुका है, मैं इसे निकाल लेती हूँ ठंडा करने के लिए। और ठंडा करके इसकी बनाएंगे प्यूरी। मसाला हो चुका है ठंडा प्याज टमाटर का। अब मैं इसको ग्राइंड कर लेती हूँ मिक्सी में। ठंडा हो चुका है, मैं डाल देती हूँ जार में, फिर ग्राइंड कर लेती हूँ। ये मैंने पीस ली है प्योरी प्याज टमाटर की। मैं डाल रही हूँ तेल। दो सूखी हुई लाल मिर्च तोड़ के, एक चम्मच जीरा, और थोड़ी सी हींग,
जीरा हो चुका है लाल हल्का, मैं मसाला पानी में डाल के डालती हूँ। एक चम्मच लाल मिर्च, एक चम्मच हल्दी, धनिया पाउडर, एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, एक चम्मच किचन किंग मसाला। अब मैं डाल देती हूँ इसमें टमाटर, मसाला मैंने डाल दिया है और साइड बाई मैंने चाप भी फ्राई कर ली है। उसके बाद हम डालेंगे इसमें चाप। मलाई मैंने तो वही रख ली थी, मैंने मलाई फेंट ली है। मसाला भुन के हो चुका है रेडी, अब मैं डाल देती हूँ मलाई। मसाला हो चुका है भून के रेडी, अब मैं डाल देती हूँ इसमें प्योरी जो मैंने बना रखी है। हल्का सा ऑयल और छोड़ेगा भी मसाला, मसाला ऑयल छोड़ देगा, इसके बाद डालेंगे। तेल छोड़ दिया है, अब मैं डाल रही हूँ इसमें प्योरी। अब मैं डाल रही हूँ थोड़ा इसमें पानी। चाप मैंने कर ली है फ्राई, अब मैं डालूंगी इसे प्योरी में। सब्जी हो चुकी है मेरी रेडी, मैं डाल देती हूँ इसमें चाप।